बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे विल बी डिस्कस द चैप्टर 16, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। देखिए, ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है जिसमें वो सर्वाइव करता है। अब एनवायरनमेंट में उसके क्या चीज़ें पाई जाती है? सराउंड है। सराउंड में उसके दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो एबायोटिक कंपोनेंट्स और एक बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स जिसे हम कहते हैं बेजान, यानी फिजिकल स्टेट में एयर है, वाटर है, लाइट है, ऑल डेड मैटर्स। दूसरा हमारे पास है बायोटिक कंपोनेंट्स, जिसके अंदर हम कह सकते हैं प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, तो ऑल दीज आर लिविंग मैटर। ये दोनों चीज़ें किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ के ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज होती हैं। तो जब हम कहेंगे कि किसी ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन जो है पैदा हो रहा है, बन रहा है, तो हम इसको कहेंगे इकोलॉजी। सो द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी के जो लेवल्स हैं बायोलॉजिकल सेक्शन में हम देखेंगे, हमारे पास एक तो पॉपुलेशन है, सेकंड हमारे पास कम्युनिटी है, ठीक है जी। एक ही टाइप के स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पर रहते हुए एक ही पर्टिकुलर टाइम पे जो पॉपुलेशन शो करेंगे, अपनी तादाद शो करेंगे, वो पॉपुलेशन कहलाएगी, ठीक है। और मुख्तलिफ किस्म की पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटीज़ को जन्म देंगी। इस तरह हमारे पास एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। जब मुख्तलिफ किस्म के इकोसिस्टम, जैसे कि हमारे पास हम कहेंगे पौंड इकोसिस्टम है जी, एक पौंड के जानदार अपने हैं, ठीक है जी, लेक इकोसिस्टम है, नदी नालों के अपने हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, लैंड इकोसिस्टम है, और एक्वाटिक लाइफ है, तो ये सारे मुख्तलिफ किस्म के इकोसिस्टम मिलके, ऑल इकोसिस्टम मिलके बायोस्फीयर को जन्म देंगे, जो कि एक पूरा हमारा ग्लोब है, पूरा हमारा ज़मीन है। ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द ओशंस टू द टॉप ऑफ द हाइट ऑफ द माउंटेन तक। बायोस्फीयर हमारा जो कि ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर थिक है, फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द ओशंस टू द टॉप ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम बात करेंगे, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अभी हमने थोड़ा सा जिक्र किया है बायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर, ऑल लिविंग मैटर्स इन योर एनवायरनमेंट बायोटिक कंपोनेंट कहलाएंगे, और एबायोटिक कंपोनेंट कहलाएंगे, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होंगे, यानी कि जैसे कि हमारे हमने बात की लाइट, एयर, वाटर, सॉयल, तो ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, और लिविंग मैटर बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। क्लियर? इंशाल्लाह हम कल इनसे बात करेंगे। थैंक यू अल्लाह।